दाऊद के संग परमेश्वर की वाचा। साउल इसराइल को पहलो राजा होती, हु ऊंचो और बहुत सुंदर होती, जसो ही लोग चाहत होती वह सोच। इसराइल पे राज्य करण के पहले कई साल में साउल एक साजरो राजा होती, पर बाद में हु एक दुष्ट मानुष बन गई, जेने परमेश्वर की बात ना उनको नी मानिस। एक गुना परमेश्वर ने एक दूसरे मानुष को चुनिस, जो कि एक दिन ओके जागा पे राजा बने। परमेश्वर दाऊद नाम के एक जवान इसराइली मानुष को चुन के एक दिन साउल के जागा पे राजा होन के गुना तैयारी करनो शुरू करी। दाऊद बैतलहम शहर को एक चरवाहा होतीस। कई बार दाऊद ने शेर और भालू दोई को मार डालिस, काया कि दाऊद के जरिया से रखवाली करते समय ओके दादा की मेंढा नाउन पे हुन ने हमला करे होतीन। दाऊद एक नम्र और धर्मी मानुष होतीस, ओने परमेश्वर पे भरोसा करीस और ओकी बात नाउन को मानिस। जब दाऊद अभी जवान पुरुषच होतीस, ओने लंबो चौड़ो गोलियत के खिलाफ लड़ाई लड़ीस। गोलियत एक बहुत साजरो सैनिक होतीस, वो बहुत हष्टपुष्ट और लगभग 3 मीटर ऊंचो होतीस। पर परमेश्वर ने गोलियत को मारन और इसराइल को बचान में दाऊद की मदद करी। एके बाद दाऊद ने इसराइल के दुश्मन नाउन पे कई बार विजय पा ले। दाऊद एक बड़ो योद्धा बन गई और ओने बहुत सी लड़ाई नाउन में इसराइली सेना नाउन को मार्गदर्शन करी और लोग नाउन ने ओकी बहुत तारीफ करीन। लोग नाउन ने दाऊद से इतनो प्यार करीन कि साउल ओके से जलन लगीस। आखिर में साउल ओको मार डालनो चाहत होतीस। एके गुना दाऊद ओके से और ओके सैनिक नाउन से लुकन के गुना जंगल में भग गई। एक दिन जब साउल और ओके सैनिक दाऊद को ढूंढत होतीन, तो साउल एक गुफा में गई। यह आवाज गुफा होती जेके में दाऊद लुको हुआ होतीस, पर साउल ने ओको नी देख सकीस। दाऊद साउल के पीछे ओके बहुत जवर चलो गई और ओके कपड़ा से एक टुकड़ा काट लेस। ओके बाद में जब साउल वह गुफा से निकलिस, तो दाऊद ने ओको हाका मार के ओके काटे हुए कपड़ा के टुकड़ा को बताईस। या तरीका से साउल समझ गई कि दाऊद ने राजा बनन के गुना ओको मार डालन से इनकार कर देस। कई साल के बाद साउल युद्ध में मर गई और दाऊद इसराइल को राजा बन गई। वो एक साजरो राजा होतीस और लोग नाउन ने ओके से प्यार रखीन। परमेश्वर ने दाऊद को आशीष करीस और ओको सफल बनाईस। दाऊद ने कई लड़ाई नाउन को लड़ीस और परमेश्वर ने इसराइल के दुश्मन नाउन को हरान में ओकी मदद करीस। दाऊद ने यरूशलेम शहर को जीत के ओको अपनी राजधानी बनाईस, जहां वो रहीस और शासन करीस। दाऊद 40 साल तक राजा बन के रहीस। यो समय के चलते इसराइल सामर्थी और धनवान बन गई। दाऊद एक मंदिर बनानो चाहत होतीस, जहां सप्पाई इसराइली परमेश्वर की आराधना कर सकेत और ओके गुना बलिदान चढ़ा सकेत। लगभग 400 साल से ही लोग मूसा के बनाए हुए मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की आराधना करत होतीन और ओके गुना बलिदान चढ़ात होतीन। वहां पर नातान नाम को एक भविष्यवक्ता होतीस। परमेश्वर ने ओको दाऊद से यो कहन के गुना भेजीस, तूने बहुत सी लड़ाई लड़े हस, एके गुना तू मोरे गुना यो मंदिर को नी बना बेन, पर तोरो टूरा एको बनाए, तो भी मैं तो को ज्यादा से ज्यादा आशीष करू। तोरी एक पीढ़ी हमेशा के गुना मोरे लोग नाउन पे राजा के रूप में राज्य करे। हमेशा के गुना राज्य करण वालो हु दाऊद की एकच पीढ़ी मसीह होतीस। मसीह परमेश्वर को चुनो हुओ मानुष होतीस, जो परमेश्वर के लोग नाउन को उनके पाप नाउन से बचाए। जब दाऊद ने नातान के खबर को सुनिस, तो
ओने परमेश्वर को धन्यवाद करिस और ओ की महिमा करिस। परमेश्वर ओ की प्रतिष्ठा बढ़ात होतीस और ओ को बहुत सी आशीष देत होतीस। बेशक दाऊद नी जानत होतीस कि परमेश्वर ही बात नाउन को कब करे। या समय हम जानतन कि इसराइली लोग नाउन को बहुत समय तक लगभग 1000 साल तक मसीह के आन को इंतजार करनो पड़े। दाऊद ने कई साल तक न्यायदायक अपने लोग नाउन पे राज्य करीस। उन्हें बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर की बात नाउन को मानिस और परमेश्वर ने ओ को आशीषित करीस। मगर अपने जीवन के अंत में उन्हें परमेश्वर के खिलाफ भयानक पाप करे होतीस। एक दिन दाऊद ने अपने महल के बाहर झाक के देखीस और एक खूबसूरत बाई को आंग धोते हुए देखीस। हु ओ को नी जानत होतीस पर उन्हें मालूम कर लीस कि ओ को नाम बतशेबा है। अपनी नजर को ओके किना से हटान के बजाय दाऊद ने ओ को अपने जवर लान के गुना कोई को भेजीस। हु ओ के संग सोईस और ओ को वापस घर भेज दीस। थोड़े समय के बाद बतशेबा ने यू कह के दाऊद के जवर खबर भेजी कि वह गर्भवती है। बतशेबा को दूल्हा उरिया नाम को एक मानुष होतीस। वो दाऊद को सबसे साजरो सैनिक नाउन में एक होतीस। वह समय हु लड़ाई करन के गुना बाहर गई थीस। दाऊद ने उरिया को लड़ाई से वापस बुलाए के ओको अपनी लुगाइन के संग रहन को कहीस। पर दूसरे सैनिक लड़ाई में होतीन। एके गुना उरिया ने घर जान से मना कर दीस। एके गुना दाऊद ने उरिया को वापस लड़ाई में भेज दीस और सेनापति से ओको लड़ाई में असी जगह पे रखन के गुना कहीस जहां दुश्मन सबसे शक्तिशाली है ताकि हु मारो जाए। तो असो भैंस की उरिया लड़ाई में मारो गईस। उरिया के लड़ाई में मर जान के बाद दाऊद ने बतशेबा से बिहाव कर ली। बाद में उन्हें दाऊद के टूरा को जन्म दी। दाऊद ने जो करे होतीस ओके कारण परमेश्वर ओके से बहुत गुस्सा भईस। एके गुना उन्हें नातान भविष्यवक्ता को दाऊद को यो बतान के गुना भेजिस कि ओको पाप कितनो बुरो होतीस। दाऊद ने अपने पाप को पछतावा करीस और परमेश्वर ने ओको माफ करीस। अपने बाकी जीवन में अपने बुरे समय में भी दाऊद परमेश्वर के पीछे पीछे चलीस और ओकी बात नाउन को मानीस। पर दाऊद को टूरा मर गईस। या तरीका से परमेश्वर ने दाऊद को दंड दीस। एके अलावा दाऊद के मरण तक उन्हें अपने परिवार के कई लोग नाउन ने ओके खिलाफ लड़ाई करीन और दाऊद की अपनी शक्ति कम भय गई होती। पर परमेश्वर विश्वास योग्य होतीस और अब भी उन्हें हु करिस जो उन्हें दाऊद से करण को वादा करे होतीस कि हु करे। भले ही दाऊद ने ओकी आज्ञा को नहीं मानिस। बाद में दाऊद और बतशेबा को दूसरी संतान पैदा भई और हुन ने ओको नाम सुलेमान रखिन।